नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 दिसंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा में रीट पास कर चुकी 25 साल की युवती ने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले सुसाइड नोट में लिखा, कब तक मैं घुट घुट कर जीऊं? महावीर ने मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब खराब कर दिया। गले में धागा बांधकर शादी का झांसा देता रहा, मुझसे रेप करता रहा, उसके बाद बोल दिया, तेरे जैसी 200-200 में बहुत आती हैं। माफ करना पापा, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई। मरने से पहले उसने 3 पन्नों के सुसाइड नोट में आप बीती लिखी, उसके बाद फांसी के फंदे पर लटक गई। परिवार वालों ने शनिवार सुबह अपनी बेटी को आवाज लगाई थी। काफी देर तक उसने दरवाजा नहीं खोला, गेट तोड़कर देखा तो घटना का पता चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी भेजा। कमरे में सुसाइड नोट मिला है, उसमें महावीर नाम के युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ युवती ने 1 साल पहले रिपोर्ट भी दर्ज करवा रखी थी। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी के भंडारे से निकाली गई राशि की दूसरे चरण की गिनती की गई। दान पात्र से 1,26,02,470 रुपए निकले। मांडफिया स्थित श्री सांवलिया जी का गुरुवार को चतुर्दशी के दिन राजभोग आरती के बाद भंडारा खोला गया। पहले दिन की गिनती में 5,08,40,000 रुपए मिले। शुक्रवार को अमावस्या होने के कारण गिनती नहीं हुई। इस दिन श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए कर्मचारियों की ड्यूटी वहां लगाई जाती है। शनिवार को दूसरा चरण किया गया, उसमें 1,26,02,470 रुपए की गिनती हुई। शनिवार होने के कारण गिनती देर शाम तक की गई। अब तक कुल 6,34,42,470 रुपए मिले। भंडारे से 21 ग्राम 700 मिलीग्राम सोना और 22 किलो 42 ग्राम 20 मिलीग्राम चांदी भी मिली। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में जीके पेपर लीक मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने साफ किया कि आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा। आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज होगी, आरोपियों की मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने अब तक मामले में 45 स्टूडेंट्स समेत 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर गिरफ्तार किए 45 स्टूडेंट्स में से 43 जालौर जिले के रहने वाले हैं, एक एक स्टूडेंट बीकानेर और जोधपुर का है। पकड़े गए स्टूडेंट्स में 6 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से युवतियों को 2 और युवकों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पकड़े गए स्टूडेंट्स अब कोई भर्ती परीक्षा नहीं दे सकेंगे। डीजीपी ने बताया, जिला पुलिस और एसओजी को पकड़े गए आरोपियों की कुंडली खंगालने के निर्देश दे दिए हैं। पकड़े गए और फरार चल रहे सभी बदमाशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। साथ ही पासा प्रिवेंटिव ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट भी लगाया जाएगा। पासा कानून के अनुसार व्यक्ति को बिना 1 साल तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। मिश्रा ने बताया कि इन बदमाशों से जुड़े लोगों से भी पुलिस पूछताछ करने के लिए कहा गया है। गैंग को ऑपरेट करने वाले इन बदमाशों को शरण देने, आर्थिक सहायता करने की बात सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जयपुर में मिलने बुलाकर दिल्ली की एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नई दिल्ली निवासी 35 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करीब 5 साल पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम में उसकी 27 वर्षीय जयदीप से मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी जयदीप ने उसे हाउसिंग बोर्ड किशनगढ़ का रहने वाला बताया। प्रोग्राम में हुई मुलाकात के बाद लगातार दोनों में बातचीत होने लगी। जयपुर में जॉब करने के दौरान आरोपी जयदीप ने उसे मिलने के बहाने बुलाकर जबरन रेप किया, विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। पिछले 5 सालों से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। शादी का झांसा देकर आरोपी लगातार उससे रेप करता रहा। कुछ दिनों पहले आरोपी जयदीप ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। धोखा देने का पता चलने पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ ज्वार सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। धौलपुर में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी भाई प्रेमी के पिता की हत्या के मामले में 7 साल बाद जेल से छुटकर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद पहले उसने अपनी बहन का मर्डर किया और उसकी लाश को सड़क किनारे दफना दिया। बहन को मारने के बाद वह उसके प्रेमी को मारने के लिए फरीदाबाद रवाना हुआ था। पुलिस ने आरोपी को मथुरा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। मामला धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार आरोपी घनश्याम ठाकुर अपनी बुआ की लड़की के घर पहुंचा और पिंकी को दूसरी शादी कराने के बहाने साथ लेकर आ गया। रास्ते में उसने बहन के सीने और सिर में गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में बहन का शव गाड़ दिया और फरार हो गया।
बहन को मारने के बाद घनश्याम उसके प्रेमी को भी मारना चाहता था। बहन के प्रेमी के फरीदाबाद में होने की जानकारी मिलने पर वह मथुरा से फरीदाबाद जाने की फिराक में था, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के बयावर पिंडवाड़ा फोरलेन स्थित बालदा गांव के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। सिरोही सदर थाना पुलिस ने बताया कि उठ मंडवाड़ा निवासी 25 वर्षीय ममता हेल्पर का काम करती थी, शाम को पिंडवाड़ा से सिरोही की ओर आ रही थी। राजपुरा बालदा गेट के पास बालदार निवासी 32 वर्षीय दिनेश कुमार ने उससे सिरोही तक लिफ्ट मांगी। ममता ने उसे बाइक पर बैठाया और सिरोही के लिए रवाना हुई। करीब आधा किलोमीटर आगे पहुंचते ही पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और कार ड्राइवर सिरोही की ओर फरार हो गया। इस दौरान पीछे से आ रहे कार ड्राइवर ने गंभीर घायल बाइक सवार ममता और दिनेश को लेकर सिरोही अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। ममता के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसे प्राथमिक इलाज के बाद गुजरात रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवती का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर शहर में शनिवार को हुई टीचर एग्जाम की सेकंड पारी में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे दो युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालसमंद मंडौर और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या नागौरी बेरा मंडौर में किसी अन्य की जगह परीक्षा दे रहे थे। पैसों के लालच में दोनों डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने को तैयार हो गए। मंडौर पुलिस ने बताया कि सेकंड पारी की परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी संदिग्ध नजर आया। उससे पूछताछ की गई तो उसने परीक्षार्थी कमलेश की जगह परीक्षा देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने डमी परीक्षार्थी सांगाराम उम्र 24 साल निवासी जयाराम की ढाणी जिला बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नागौरी बेरा में सोहन लाल के स्थान पर परीक्षा देने बैठे डमी परीक्षार्थी प्रद्युन उम्र 23 साल निवासी बयावर को दस्तयाब कर जांच में पूछताछ की गई तो उसने दूसरे की जगह परीक्षा देना स्वीकारा। इसके बाद मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सांगाराम ने बताया कि वो एमएससी प्रीवियस ईयर का छात्र है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं होने व परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पैसों के लालच में डमी अभ्यर्थी बन बैठा। वह प्रद्युन सिंह रावत बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र है, जहां वो नकल गिरोह के कुछ सदस्यों के संपर्क में आया और एक्स्ट्रा कमाई के लालच में फंसकर डमी अभ्यर्थी के तौर पर बैठने को तैयार हो गया। पुलिस अब दोनों से अन्य परीक्षार्थियों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। बाड़मेर में पत्नी के साथ रेप से आहत पति ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। बालोतरा थाने में पीड़िता ने 20 दिसंबर को रिपोर्ट दी थी। इसके मुताबिक गांव से बालोतरा हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए आई थी। उसे अकेला जाता देखकर मेरे गांव का ही गफ्फार खान उसका पीछा करते हुए बालोतरा शहर के घर तक पहुंच गया। उस समय घर पर पति नहीं होने पर अकेला देखकर घर के अंदर घुस गया, चाकू की नोक पर विवाहिता के साथ रेप किया और अश्लील फोटो भी खींच लिए। धमकी दी कि इसके बारे में किसी को बताया तो अश्लील फोटो समाज को भेज दूंगा। पति के घर आने पर पत्नी ने आपबीती बताई। आरोपी ने पति को जान से मारने व समाज में बदनाम करने की धमकियां दी। इससे आहत होकर तनाव में रहने लगा। पति ने रात को घर में कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर की है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 2 महीने में आपके पास 20,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 20,000 से लेकर 2,18,000 रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंक जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक में 1438, इंडियन आर्मी में 341, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 3309, केंद्रीय विद्यालय में 13404, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 526, मुंबई पोर्ट में 50, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के संस्थान में 147, दिल्ली विश्वविद्यालय में 68, इंडियन एयरफोर्स में 250, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में 243 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
अजमेर के सोने मकान से करीब 2.25 लाख रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात चुराने का मामला सामने आया है। महेश नगर क्रिश्चनगंज निवासी जुगल किशोर ने बताया कि वह परिवार सहित किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के कारण नाथद्वारा चले गए थे। पीछे घर पर ताला लगाकर बंद किया था, घर पर कोई नहीं था। वापस जब घर पहुंचे तो घर के ताले व कुंडे टूटे हुए मिले। घर के अंदर जाने पर पता चला कि हॉल व आगे पीछे के कमरे में सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अलमारी के गेट व लॉकर टूटे हुए थे। सोने के बताया कि उनकी अलमारी, पर्स, गुल्लक और कपड़ों में रखे करीब 2.25 लाख नगद, सोने के जेवरात में अंगूठी, हार सेट, लौंग, बाली, तार, टोप्स व चांदी के जेवरात में पायल, बिंदिया, पुराने नए सिक्के चोरी कर लिए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।